वर्ल्ड कप की तरह आईपीएल में भी मुझे ईडन गार्डन्स में काम मिला है और आज कोलकाता वर्सेस हैदराबाद का मैच है, इसलिए आज 2:30 बजे हमें वहाँ बुलाया गया है। हमें यानी मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी जाने वाले हैं, जिनका मैं यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, पर साले आ ही नहीं रहे। फाइनली ये आते हैं और हम निकल पड़ते हैं स्टेडियम की ओर। मेट्रो से उतर कर हम ऊपर जाने लगते हैं। हाँ, इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो यहीं से जाती है। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर स्टेडियम की ओर जाते वक्त मुझे पता चलता है ये टकला होने लगा है, और मैं इसका टकला आपको ना दिखा दूं, इस वजह से ये मुझसे दूर भागने लगता है। पर हम भी आरामी है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। ऐसे ही मौका मिला, इसकी टोपी खींच ली, लो देखो इसकी उजली खेती। फिर स्टेडियम में एंट्री मारते ही हमें हमारी जर्सी, आई कार्ड और टोपी मिल जाती है। फिर हम केकेआर के मैस्कॉट से मिलते हैं और तभी केकेआर की टीम बस भी आ जाती है। सारे प्लेयर्स को मैं यहीं देख लेता हूँ। फिर हम ग्राउंड पे चले जाते हैं, तभी वहाँ बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की एंट्री होती है। उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाती है और फर्स्ट इनिंग्स में रसल भाई इतना धोते हैं कि हैदराबाद के बॉलर्स की हालत खराब हो जाती है। पर फिर सेकंड इनिंग्स में हेनरिक क्लासन भी केकेआर के बॉलर्स की बहुत पिटाई करते हैं, पर इन दी एंड केकेआर ये मैच जीत जाती है। तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, बाय।